गोपाल भैया, मेरे पास पैसे की संपत्ति नहीं है, हाँ, बट मैं जिंदा हूँ, खड़ा हूँ, क्योंकि मेरे पास दुआ की संपत्ति है। तो आप ये मत कभी सोचिएगा कि पवन ने आपको पैसा दिया। मेरे तरफ से आप जो ये शुभ पूजा करवा रहे हैं, हमारी बहनों का शादी करवा के, उसके लिए मेरे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है भैया। और मैं यह बता दूं गोपाल जी, सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसमें 5,01,000 रुपया है। इन हमारी बेटियों के लिए पवन जी, मैं बता दूं कि जिस आदमी पर अगर इन बेटियों का आशीर्वाद होता है, वह दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह होता है। आज इस मंच से आप बादशाह हैं और बादशाह की एक अलग उपाधि लेकर जा रहे हैं। अगर कल पावर स्टार लगता है तो उसके आगे बादशाह भी जोड़ा जाएगा। भाई बहुत बहुत धन्यवाद इतनी छोर भाई पवन सिंह जी के, और उपहार स्वरूप सहयोग में हमके 5,00,000 रुपया देले बने। आ कहन की कुल इबादत बते भी, आप परसों फोन के ले रहो तो कहूं कि जल्दी अकाउंट नंबर भेजा और ही भेज ले वालों कहेंगे कौन कूनत बताई है मनचवे वाला बताई है यही के कहा जाला पावर स्टार। पावर एजे से शुरू होला है जवन पवन सिंह पूरा हिंदुस्तान ना दुनिया में कम से कम भारत में 20,00,000 रुपया कम से कम 25,00,000 रुपया लेके जालन करोड़ों के कीमत बा पवन सिंह के वही वहां फ्री में आके गावो तने 5,00,000 रुपयो दे ले हमरा के खाता वाला ने क्या भी बतावे के जोड़ दे तो बहुत हो जाए। बहुत बहुत पूरा मंच के तरफ से अब कतना शब्द कही शब्द कम बा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन आप प्यासे हो जाओगे, यह पावर है आप में, यह कुवत है, यह क्षमता है। हमारे पवन जी के लिए दोनों हाथ उठाकर तालियों का महोत्सव। जिद्दी जी का फरमाइश आया, एक पूरा नहीं गाऊंगा, एक लाइन खाली मुखड़ा गा दूंगा, क्योंकि ये महोत्सव में और एक पूजा जो गोपाल भैया करवा रहे हैं उसके लिए दो लाइन एक भाव है। हेने हमार कुल बहिन माई बैठल बड़ी सन रे, हाथ उठा के बोला जा। मिले जब राम सीता से, मिले जब राम सीता से, टहलते वक्त फुलवारी राम उन्हें प्यारे लगे और सीता लगी देख कर श्री राम जी को जनक नंदनी बाग में यो खड़ी की खड़ी रह गई रामदेव अखिया लड़ी रह गई देखकर श्री राम जी को जनक नंदनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। हमार बहन जेकर जेकर आज शादी भइल हा, अपने घर में जाइए तो अपने घर में अपने से बड़ों का सबका सत्कार करिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए, आपका भी परिवार खुश रहे, सामने वाले का भी परिवार खुश रहे, कलह नहीं करने का बेटा, ठीक है। ये एक भाई आप लोगों से बोल के जा रहा है, इसको फॉलो करिएगा, ठीक है। खूब खुश रहिए, पूरे परिवार के साथ हमेशा हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए।